नमस्ते। रिसेंटली बांग्लादेश में इलेक्शंस हुआ, ऑब्वियसली शेख हसीना जी फोर्थ टाइम में विद 82% वोट से वहाँ पे जीत कर आई, यानी क्योंकि इनका फैमिली रूट्स फ्रीडम स्ट्रगल से बिलोंग करती, यानी 1971 जब इनको ईस्ट पाकिस्तान से नाम से जाना जाता है, 1971 में जब बांग्लादेश वॉर हुआ तब से ये फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ी हुई फैमिली है। तो इन्होंने लगातार जीत कर आ रही है 1998 से। तो ये मोर देन मार्गरेट थाचर, इंदिरा गांधी, एक लेडी, एक वुमेन इतना टाइम जीत कर आना कोई मामूल सा चीज नहीं। ऑब्वियसली दो लोगों को ये इलेक्शंस पसंद नहीं आया है, वो है यूएस एंड वो यूरोप। हम लोग रिसेंटली देखा है कि आपने देखा नहीं तो मेरा फ्रांस का वीडियो देख लीजिए, कैसे मिसेस ली पेंस को, राइट विंग पार्टी को वहां पे सारे लोग जुड़कर उनको हराया है। ऐसे ही जैसे इंडिया में जॉर्ज सोरोस का टूलकिट मिलकर, इंडी पार्टीज मिलकर 400 मेजोरिटी के लिए मोदी जी को रोका है, ऐसा ही ऑब्वियसली हर एक कंट्री में इन्फ्लुएंस होती रहती है फॉरेन हैंड। तो ये यहाँ पे भी है, मगर इनका अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो भी खुद को राइट विंग कहते हैं। खालिद रजिया जो प्रेसिडेंट है, ये दोनों के बीच में टक्कर। फॉरेन हैंड इन्फ्लुएंस के बारे में हम बात करें तो शेख हसीना का फोर्थ टाइम जीतना यूएस और यूरोप को इसीलिए पसंद इसीलिए नहीं आई क्योंकि जब वहां पे डेमोक्रेसी का मीटिंग चल रही है बांग्लादेश में, उन्होंने यूएस एम्बेसडर को या उनका यूएस को इनवाइट नहीं किया, तो इससे भड़क गई क्योंकि यूएस का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स बांग्लादेश में आती है और शेख हसीना जी का रूल इतना खराब नहीं है जितना हम लोग यहाँ पे करप्शन वाला कांग्रेस UPA 1 UPA 2 देखा है एक 10 ईयर्स में, मगर वो 1998 फोर्थ टर्म्स तक उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ से पानी रहती है, एक ही तरफ मीन्स ऑलमोस्ट आइलैंड की तरह रहती है, तो उनका सारा फसल जो भी उगाते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स में। तो फिर भी उनको प्रोग्रेसिव मोड में लेके जाने वाले, हर एक लड़की को प्राइमरी एजुकेशन मिलने वाले, क्योंकि बांग्लादेश अगर हम जानेंगे तो 1998 से ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेकुलर है और इस्लाम स्टेट रिलीजन मानकर चलती है। बोले तो वहां पे जमाते इस्लाम जो हर तरफ शेख हसीना को घेरना चाहती है वो लोग शरिया मानते हैं, मगर शेख हसीना सेकुलर कंट्री चलाना चाहती है, इसीलिए यूएस का इन्वेस्टमेंट बहुत सारे वहां पे आते है। जैसे हर एक देश में बिकने वाला होता है गद्दार होता है, ऐसा में इस्लाम में भी गद्दार है, अगर कोई खरीदने वाला है तो ये लोग बिक जाते हैं। मैं इसलिए ये स्ट्रांग वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि इस्लाम में भी कम्युनिज्म है जो रशिया से सीख के आए हैं, वो उसका स्टोरी अलग है, वो बाद में बताऊंगे। मगर इसके प्रोटेस्ट को मगर ये हम शेख हसीना जी की तारीफ करना चाहिए कि यहाँ की गवर्नमेंट की तरह माइनॉरिटीज को जू भी नहीं बोल रही है, स्ट्राइक डायरेक्ट अटैक कर रही है। इन पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है ये स्टेट वर्सेस स्टूडेंट नहीं, उन्होंने करेक्ट टर्म किए आयन मौके पर, करेक्ट टर्म देना ही एक नेशनलिस्ट लीडर के लिए शोभा देती है। इन्होंने करेक्ट कहा, टर्म यूज्ड बाय शेख हसीना ड्यूरिंग दिस प्रोटेस्ट वॉज रजाकार। यस, रजाकार इंडिया में भी नहीं है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में है। कौन है रजाकार? एक गद्दार। गद्दार का डेफिनेशन शेख हसीना जी दे दी, इसके लिए मैं उनको दिल से तारीफ करती हूँ क्योंकि गद्दार का डेफिनेशन अगर हम पहचानना है तो इसीलिए रजाकार को पहचानिए तो गद्दार कौन है आपको पता चल जाएगी। तो ये रजाकार वैसे स्टेट है। यस, आपने करेक्ट ने गेस किया। तो रजाकार का टर्म शेख हसीना जी इस प्रोटेस्ट में यूज करी वो करेक्ट है। असदुद्दीन ओवैसी का बच्चे है, नादान बच्चे है जो पाकिस्तान में रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं और तेलंगाना में भी रहते हैं, मगर तेलंगाना गवर्नमेंट यहाँ पे 4% रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज ये रजाकार के लिए देने के लिए बहुत कोशिश करती है। ऑब्वियसली आपने कर्नाटका में भी देखा,
मगर तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आती। मगर बांग्लादेश में जो फोर्थ टाइम जीतने वाले शेख हसीना को क्या उनके देश में कौन गद्दार है, कौन स्टूडेंट है, कौन मैनिपुलेटेड करके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नहीं मालूम है। तो वो करेक्ट टर्म है, ये रजाकार वैसे स्टेट है, क्योंकि वहाँ पे जमाते इस्लाम जो है उसको शरिया ला की ही पकड़ के रहते हैं, वो लोग सेकुलरली प्रोसीडिंग्स को नकारते हैं, इसको वहाँ पे मुस्लिम्स कम्युनिस्ट उनको बढ़ावा देते हैं, इसीलिए फॉरेन हैंड इजीली आते हैं। यहाँ पे भी कम्युनिज्म की वजह से फॉरेन हैंड की इतना हलचल, हम जॉर्ज सोरोस का हैंड इन इलेक्शंस हम देखने को मिलती है। अगर अपोजिशन जीती नहीं तो ईवीएम खराब होती है, अपोजिशन बांग्लादेश में जीती नहीं तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी खतरे में होती है, ऐसा यूएस का डेफिनेशन है। 19 टाइम्स असैसिनेशन प्लॉट को फेस करने वाले शेख हसीना को क्या नहीं मालूम कौन रजाकार है यानी गद्दार है, कौन स्टूडेंट है, कौन एम्प्लॉय है बोल के सबको मालूम है। मगर वहाँ पे प्रोटेस्ट मैनिपुलेट किया जा रहा है, जैसे मणिपुर में वो लॉन्ग लास्टिंग बैटल थी मणिपुर में, जो यूपीए 1 यूपीए 2 जो फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेती है कांग्रेस, वो वहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, इसीलिए वहाँ पे मणिपुर में क्लैशेस हुए, वायलेंट इंसर्जेंसी हो रही थी 1947 से। मगर बांग्लादेश में अगर हम 1971 वार उनका समझिए तो, कोई भी समझे तो, ये फ्रीडम फाइटर्स को 30% कोटा देना सब मंजूर करेंगे, क्योंकि 1971 वार हम देखे तो क्यों बांग्लादेश इंडिया पे डिपेंड करा, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हो रहा था तो वेस्ट बंगाल में हमको एक्शन डे को देखने को मिला, तो पुलिस जिस तरह नरसंहार करी हिंदू के लिए तब सब यूनाइटेड थे, अब मुस्लिम कंट्री में ही मुस्लिम्स को क्यों तकलीफ हो रही है, वहाँ पे माइनॉरिटीज को 5% ही रिजर्वेशन है, मगर यहाँ पे तो बहुत रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो क्योंकि वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि स्टेट इस्लाम रिलीजन को मानती है इसीलिए दे रही है। इंडिया इज अ प्योरली सेक्युलर कंट्री। 1971 वार जो लिबरेशन डे ऑफ बांग्लादेश को कहे जाते हैं उसमें उनके पास पुलिस था, क्योंकि वेस्ट बंगाल में एक्शन डे करे, बाद में डिबेट हो गए, तो 71 तक तो सब खामोश थे, तो अचानक क्या हुआ 1971 में वो इंडिया पर डिपेंड हर रही क्यों बोले तो 1947 पार्टीशन देखिए, पार्टीशन होते वक्त जो भी रहना है गांधी जी का स्टेटमेंट, इंडिया में मुस्लिम रह जा सकते हैं, कोई भी जाना जाते तो पाकिस्तान चले जाए, जो भी गया वो गया, उसमें से मैं इसीलिए अग्निपथ स्कीम को भी नकारती हूँ, इस अपॉर्चुनिटी लेती हूँ, और तब से मैं यही बात पूछ रही हूँ, कोई भी मुझे आंसर नहीं दे रहा कि जब पार्टीशन हुआ मजहब के नाम है, उस मजहब के नाम से आर्मी भी हुई, तो अचानक पाकिस्तान को $2 मिलियन 2.3 बिलियन डॉलर्स एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर पैसे ही मिले गांधी जी की तरफ से, और एसेट्स भी मिले, ऐसा ही इंडियन आर्मी भी डिवीजन हो गई मजहब के नाम पे, वही है पाकिस्तान आर्मी, वही 48 में पीओके को ऑक्युपाई किया, वही आर्मी बांग्लादेश में जब रिवोल्ट करे बांग्लादेश के पास यानी ईस्ट पाकिस्तान में पुलिस है मगर आर्मी नहीं है, इसीलिए इंडियन आर्मी पर डिपेंड होना पड़ा। तो कौन है रजाकार, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, रजाकार वही है जो देश के साथ गद्दार करता है, जैसे हैदराबाद स्टेट का गद्दारी हमने देखी है, जब निजाम को हराया गया है सारे रजाकार पाकिस्तान चले गए, सारे लोग पाकिस्तान ही क्यों चुने, जिन्ना को तो मैनिपुलेट कर दिया नेहरू और गांधी और ब्रिटिशर्स ने कि अलग स्टेट ले लो, वहां पे शरिया ला चलाओ तुम मुस्लिम स्टेट, मगर जिन्ना चाहते थे वो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वो चले, मगर उनका ड्रीम खत्म हो गई चंद सालों में, क्योंकि नेहरू का स्टेटमेंट था मैं पैजामा ही नहीं बदलता हूँ तब तक वहाँ पे सत्ता पलट जाती है, इसका स्टेटमेंट है। तो ये रजाकार पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, और इंडिया में भी रह गई है, क्योंकि यहाँ से पूरा मुस्लिम्स वैकेट नहीं किया, और जो 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश में आया तो उनके पास पुलिस था मगर आर्मी नहीं था, क्योंकि आर्मी जब मजहब के नाम है डिवाइड हुआ वो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश के लिए कुछ आर्मी नहीं था, इसीलिए डिपेंडेंट हुआ
तो वार जीते, तब से वो रिलायबल सोर्स हुए। मगर शेख हसीना को एज अ फ्रीडम फाइटर मालूम है कि अब भी पाकिस्तान के चमचे जमाते इस्लाम बन के अपोजिशन पार्टी बन के वहाँ पे रह रहे। अगर वो 30% कोटा निकल गई है तो बांग्लादेश में से वो अनरेस्ट इंडिया में भी आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान प्लान फॉर अनरेस्ट इन इंडिया एंड बांग्लादेश। क्योंकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, वो डूबने वाली है। यूएस जरूर पाकिस्तान को प्रॉप की तरह यूज करेगी। सारा इन्फिल्ट्रेटेड फोर्स अब बांग्लादेश में इंडिया में बहुत एक्टिवेट होंगे। इसको हम जानबूझकर नकारना है। और ये प्रोटेस्ट वहाँ पे कोटा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट को भी सपोर्ट करना है, बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि शेख हसीना ने प्रॉपरली डिवाइड कर दिया बांग्लादेश में कि वो रजाकार है और बांग्लादेशी फ्रीडम बांग्लादेशी प्योर बांग्लादेशी भी है बोल के उनको मालूम है। जो उर्दू के नाम पे बांग्लादेशी को बंगाली मुस्लिम्स को मार सकते हैं, वो क्या खाक इनको बचाएंगे? तो इसीलिए उन्होंने जो भी अटेम्प्ट किया, सारे लोग रजाकार स्टेटमेंट की वजह से भड़क गई, वो नहीं है, वो मैनिपुलेटेड है, वो प्रोटेस्ट हो चले जाएंगे। मगर शेख हसीना जी ने प्रॉमिस किया कि वो देखेंगे इसको रिजर्वेशन कैसे कम गए। तो ये रिजर्वेशन वो लोग 5% माइनॉरिटीज को भी देते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस्लाम स्टेट रिलीजन है, इंडिया में नहीं है। मगर यहाँ पे 4% रिजर्वेशन मुस्लिम्स के लिए सब लोग मानते हैं। तो अगर हम इंडिया और बांग्लादेश का कोटा सिस्टम या रिजर्वेशन सिस्टम को देखेंगे तो वो होल बांग्लादेश मिलकर 56% से अबव जा रही नहीं रही, फिर भी उनके सुप्रीम कोर्ट उस पर वर्डिक्ट देने वाली है और शेख हसीना भी अवलेज करे कि वो कुछ चेंजेस करेंगे। मगर इंडिया में देखे तो ईच स्टेट यहाँ पे रिजर्वेशन सेंट्रल नहीं स्टेट वाइज डिवाइड है और ईच स्टेट में अबव 60% रिजर्वेशन जा रही है, इस पर कोई बात नहीं करता, कोई सेक्युलरवादी कोई कम्युनिस्ट बात नहीं करता, क्योंकि दे वांट टू डिस्ट्रॉय द कंट्री, वो बात नहीं करते इस पर। कोई इंटेलिजेंट इस पर जो भी लुटियंस मीडिया है वो लोग कुछ आर्टिकल्स नहीं लिखते हैं। अगर एक बार ये 30% रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स इन बांग्लादेश चली गई तो ट्रूली बांग्लादेशी जो भी है वहां पे बंगाली को अपना कल्चर मानते है वो लोग जीवित नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे इंडी पार्टी से राहुल गांधी सक्सेस हुए है कि अग्निपथ स्कीम पे जो अगवाए फैलाया उन्होंने, उसकी वजह से अगर हिंदू तलवार रख दे गया और अग्निपथ ज्वाइन नहीं हुए तो अभी जमात उल दावा का कुछ स्टेटमेंट आया है ज्वाइन अग्निपथ, क्योंकि वो लोग फिर से बंटवारा चाहते हैं देश में और वही बंटवारा बांग्लादेश में भी और एक बार होने के है, क्योंकि पाकिस्तान प्रिपेयर फॉर दैट। तो हम लोगों को बहुत सख्त रहना है इस रिजर्वेशन काली कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो रिजर्वेशन ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं और सेक्टर्स को हमको एलिमिनेट करें, क्योंकि ये लोग सब मिले जुले हैं, ये कोई स्टूडेंट्स वर्सेस बांग्लादेश नहीं है। आप अंडरलाइन कीजिए, ये पालस्तीना के लिए बांग्लादेश चुप रही, इंडिया चुप रही, इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूके में से ऋषि सुनक जाने के लिए मौका देख रहे हैं, अब वहां पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फ्रांस में भी हो रहे हैं। ये सब इसराइल पालस्तीना के वार के बीच में हमारे कंट्रीज में दंगे हो रहे हैं, इसको आप अंडरलाइन कीजिए। ये पालस्तीना उम्मा की वर्सेस कंट्रीज है, ये कोई स्कीम की वजह से स्टेट डेवलपमेंट की जैसे नहीं है, इसीलिए आई सपोर्ट शेख हसीना। हम इस कंटेस्ट में उनका सपोर्ट करना ही चाहिए ताकि अनरेस्ट इंडिया में ना आ सके। आपको बांग्लादेश में 30% कोटा फॉर फ्रीडम फाइटर्स क्यों होना चाहिए, क्या है डेफिनेशन ऑफ रजाकार, क्यों शेख हसीना जी इतना बात कह डाली, ये सब आप इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी अपना कमेंट्स की तरह अपना ओपिनियन लिखिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।